ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब साउथ अफ्रीका की चुनौती का सामना करने पर है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले होने वाली 3 मैच की इस टी20 सीरीज के जरिए टीम इंडिया अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश करेगी। हालांकि पिछले कुछ समय से टीम को बड़े टोटल को डिफेंड करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसको लेकर टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने बात की है। पिछले 6 टी20 मुकाबलों की बात की जाए तो टीम इंडिया को उनमें से 3 में हार और 3 में जीत मिली है। टीम इंडिया को एशिया कप में पाकिस्तान, श्रीलंका के खिलाफ, जबकि टी20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इन तीनों मैचों में जो एक कॉमन बात रही वो ये कि टीम बड़े टोटल का बचाव नहीं कर पाई। डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार समेत टीम के बॉलर्स ने खूब रन लुटाए, जिसके बाद टीम की बॉलिंग को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। हालांकि टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने इन मैच में टीम की खराब बॉलिंग की जगह ओस को जिम्मेदार माना है। बुधवार 28 सितंबर से तिरुवनंतपुरम में टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिससे पहले विक्रम राठौर ने टीम से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाने को लेकर उन्होंने कहा कि ओस की वजह से विपक्षी टीम के लिए लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम लक्ष्य का बचाव करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन टी20 मैच में टॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर बार जब हम बचाव करने में सक्षम नहीं होते हैं तो ऐसी जगह ही होती है जहां ओस होती है, इसलिए सामने वाली टीम के लिए लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है। मैं गेंदबाजों के प्रति कठोर रुख नहीं अपनाऊंगा क्योंकि वो मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने में सक्षम रहे हैं। निश्चित रूप से हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम और बेहतर करेंगे। साथ ही विक्रम राठौर ने टीम के बल्लेबाजी का बचाव करते हुए इस बात को नकारा कि टीम के बैटर बड़ा टोटल नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब आप कहते हैं कि हम अच्छा स्कोर नहीं बना पाए हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करना पिछले टी20 विश्व कप के दौरान चिंताओं में से एक था, लेकिन तब से हर बार जब हमने पहले बल्लेबाजी की है तो हम अच्छा स्कोर बनाते रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है। मतलब एकदम साफ है कि विक्रम राठौर ना तो बल्लेबाज और ना ही गेंदबाज को टीम की इस प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। उनके मुताबिक टीम में सब चंगा सी। विक्रम राठौर के मुताबिक टीम की हार में बॉलर या बैटर की गलती नहीं है, बल्कि वो बड़े आराम से ओस को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। ये बात ठीक उसी तरह है जैसे एक महान फुटबॉलर ने मैच हारने के बाद घास को जिम्मेदार ठहराया था। अब जब कोच ही ऐसी बात करेंगे तो फैंस टीम से क्या उम्मीद करेंगे, ये तो फिलहाल समझ से परे है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने और मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे, लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।